हेलो दोस्तों, नमस्कार। मंजू किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन पकौड़े। तो हमने यहाँ पे चार बैंगन ले लिए हैं। तो यहाँ पे एक थाली ले लिया मैंने, इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि बैंगन को काटते वक्त काला पड़ जाता है। तो हम यहाँ पे बैंगन को गोल गोल साइज में काट लेते हैं। आपको जो साइज पसंद हो साइज काटिएगा। बैंगन को देख के काटना पड़ता है क्योंकि बैंगन में कीड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारे बैंगन सही हैं। यहाँ पे हम बैंगन को इसी तरह सब काट लेंगे। देखिए, हमने सारे बैंगन को काट लिया है। इसे हमने पानी में अच्छे से डुबो के रख दिया है। इसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें एक कटोरी बेसन डालेंगे। यहाँ आधी कटोरी हम मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, यहाँ स्वाद के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी। पहले इसको हम फेंट लेते हैं। यहाँ फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ पे देखिए बेसन का बैटर तैयार है। यहाँ पे एक पिंच हम सोडा डाल देते हैं, खाने का सोडा है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम बैंगन को पानी निचोड़ देते हैं। यहाँ पे बैटर में डालते हैं एक एक कर बेसन ट्रिप करके। इसके हम पकौड़े डालते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिए पकौड़े। यहाँ पे पकौड़ों को हम पलट देते हैं। एक तरफ सिक चुका है। बहुत अच्छे पकौड़े हमारे फूले फूले बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पकौड़े तल चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। इसी तरह हम दोबारा डाल देते हैं पकौड़ों को। पानी इसका निकाल दिया एक्स्ट्रा पानी। अब बेसन में ट्रिप करके हम फिर डाल देंगे।
यहाँ पे देखिए बैंगन को हम पलट देते हैं। यहाँ पे देखिए बैगन पकौड़ा हमारे दोनों तरफ सिक चुके हैं, हम निकाल लेते हैं इन्हें। यहाँ पे देखिए हमारे क्रिस्पी बैगन के पकौड़े बनके तैयार हैं। आप लोग खाइए, कमेंट में ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी।